खुशरो आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। केंद्रीय मंत्री ने ट्रेन रोकने के लिए दिखाया हाथ और उस दौरान ट्रेन को रोका नहीं गया और फिर दोबारा से गार्ड के खिलाफ कर दी शिकायत। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, मेरे साथ बने रहिए। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि कानपुर से सेंट्रल रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए पैसेंजर ट्रेन पकड़ने वाली थी और उनकी ऑलरेडी रिजर्वेशन हो चुकी थी और अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंची। बस जब भी वो प्लेटफॉर्म पर पहुंची और तभी वहां से वो ट्रेन निकल रही थी, उसी दौरान उन्होंने वहां पर खड़े हुए जवानों को, जो पुलिस के जवान रहते हैं वहां पर, आरपीएफ रहती है, उनको बोला गया था कि वो उस ट्रेन को रोके हाथ देके, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि अभी ट्रेन को नहीं रोका जा सकता है और उसी दौरान ट्रेन के गार्ड को भी निरंजन ज्योति ने हाथ दिखाया था कि वो ट्रेन रोके, पर वहां पर जो लोगो पायलट था उसने भी ट्रेन नहीं रोकी और उस दौरान ट्रेन को वहां से निकलना पड़ा। उसी दौरान उनकी जो साध्वी निरंजन ज्योति की जो टीम थी उन्होंने लिखित में वहां पर शिकायत दर्ज की है कि वहां पर उनका काफी बड़ा वाला अपमान हुआ है और निरंजन ज्योति ने ये चीज बोली है कि अगर ट्रेन नहीं रोकनी थी बात अलग थी, अगर लेट हो गए है ट्रेन चल पड़ी है वो बात अलग है कि चलो नहीं रोकना बात समझ में आती है, पर वहां पर मेरा अपमान करने का क्या मतलब बनता था। वहां पर अपमान मेरा किया गया, वहां पर पुलिस वाले खड़े थे जबकि मैंने उनको बोला कि हाथ दे के ट्रेन को रोका जाए, वहां पर लोगो पायलट भी ट्रेन चलाते हुए मुझे देख रहा था, उसको भी बोला गया कि वो ट्रेन रोके, पर उसने भी ट्रेन नहीं रोकी। उसके बदले उन्होंने ये चीज बोला है कि जाओ अभी हम ट्रेन नहीं रोकेंगे, जो करना कर लो, जो उखाड़ना उखाड़ लो। तो मुझे काफी ज्यादा अपमानित फील हो रहा है, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ अभी कार्रवाई की जाए और जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसी दुर्व्यवहार किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो गाइस आप क्या बोलते हैं, क्या आपने कभी गाड़ी को हाथ देके रोका है? समझ भी आता है कि रुक सकती है, फोर व्हीलर टू व्हीलर अब ये सब चीजें रुक सकती है, बस रुक सकती है या ट्रक रुक सकता है, पर ट्रेन कैसे रुक सकती है? ये कहां पर साध्वी निरंजन ज्योति क्या सोच रही थी उस वक्त और उस दौरान जो ये आरोप लगा रही हैं ये क्या सच है? क्योंकि अभी इसके ऊपर कार्रवाई होगी, अगर इनके ही पावर लेके अगर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी और कुछ भी सुना नहीं गया और इनकी ही बात को सच माना गया तो उन लोगों के साथ काफी बड़ा वाला अपराध हो जाएगा, और अगर इसके ऊपर कार्रवाई की जाए तब बात समझ में आती है कि उस पक्ष से भी और इस पक्ष से भी दोनों तरफ से देखा जाएगा और पता किया जाएगा कि गार्ड ने उस वक्त क्या बोला और वहां पर खड़े हुए आरपीएफ के जवानों ने क्या बोला। सो गाइज आप ही बताइए आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे इसके ऊपर कि पावर वाले लोग अपनी पावर दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं या आम इंसान भी इतनी पावर दिखा सकता है या उसके पास कोई पावर ही नहीं छोड़ी है इन लोगों ने। आपके विचार हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है, कमेंट बॉक्स भरते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।